देखिए कुछ ऐसी हलचल है यहाँ पे रात को 9:30 बजे की। काफ़ी रश हो रहा है यार यहाँ पे। एक तो ये मंदिर है यहाँ पे ट्रिपिंग कैफे का, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन बना हुआ है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वोट फॉर एल्विश। भाई एल्विश की फैन फॉलोइंग देख रहे हो कहाँ तक क्या भाई। दोस्तों ये जो देख रहे हो ना, अब यह है कुल्फी की चाट। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में उतनी 20 रुपये में बहुत अच्छी चीज़ें और काफ़ी टेस्टी है। एक आए सलाम नमस्ते सत श्रीकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ जयपुर से सीधा उदयपुर। जयपुर वाली सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं आगे और उदयपुर के आज नज़ारे कराते हैं आपको। अभी मैं यहाँ पे उतर गया हूँ रेती स्टैंड पे, जो कि मुझे छोड़ा है बस ने 6 बजे करीब। तो अभी पीछे देखिए मौसम बहुत सुहावना हो रहा है और मैं आपको उदयपुर के भी नज़ारे आपको कराऊंगा। अभी चलता हूँ मैं अपने हॉस्टल में और हॉस्टल में चल के आपको रूम वगैरह दिखाऊंगा। होटल है या हॉस्टल बुक किया है मैंने, तो उसकी कहानी जो है ना रूम में जाके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है पूरा मार्केट, यहाँ पे संडे मार्केट लगी हुई है आज। तो यहाँ उतरते ही मैंने ऊबर बाइक बुक की है, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने होटल। और दोनों साइड आज संडे का बाजार लगा हुआ है और अभी चलते हैं होटल की तरफ और होटल पे आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या सीन होने वाला है, वहाँ से क्या प्लानिंग होगी अपनी आगे की। आज रात को थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और फिर आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे यहाँ का। दोस्तों फर्स्ट इम्प्रेशन तो काफ़ी अच्छा है, जयपुर से काफ़ी सफाई दिख रही है यहाँ पे रोडों पे। रोड काफ़ी साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। मार्केट लगी हुई है फिर भी रोड काफ़ी साफ बने हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने हॉस्टल में। हॉस्टल का नाम है ट्रिपिंग कैफे। काफ़ी रीजनेबल कैफे मिला मुझे, 705 रुपीज़ का एक बेड मिला है जो कि 8 बेड का एक रूम है। तो अब देखिए मेरे पीछे काफ़ी अच्छा एरिया है वाला और मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर यहाँ पर मार्केट एक्सप्लोर करने चलते हैं। रात को थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की स्टार्ट हुई, वैसे हुई नहीं है तो हम अभी बाहर जा सकते हैं। तो बाहर चल के मैं आपको यहाँ के मार्केट का नज़ारा दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। ये ओवरव्यू देख लीजिए हमारे ट्रिपिंग कैफे का, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन बना हुआ है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वोट फॉर एल्विश। भाई एल्विश की फैन फॉलोइंग देख रहे हो कहाँ तक क्या भाई, जीत ही जाएगा मुझे लगा। लड़का जीत भी गया तो मुझे पता नहीं, मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ। तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है ये देखिए, और एक इसकी अच्छी चीज़ देखिए पास में पेड़ है और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसकी। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मौसम एकदम औसम हो जाता है। तो अब नीचे चल के आपको यहाँ से ना चल के मार्केट दिखाएंगे आगे जाके, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है इसकी बाहर। दोस्तों बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये हमारा हॉस्टल, हाई लेक व्यू है, हाईएस्ट लेक व्यू, सबसे ऊँची हाइट पर बना हुआ है इसका जो रूफ है ना, सबसे ऊँची ट्रिपिन हॉस्टल। अब यहाँ से इस काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ से नीचे लेके चलते हैं आपको यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कराते हैं। काफ़ी खूबसूरत मार्केट बनी हुई है आगे की। अब नीचे ये स्लोप जा रहा है नीचे की तरफ और आगे चल के आपको यहाँ की मार्केट दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से होती है मार्केट स्टार्ट, और राजस्थान का कल्चर जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाहर निकलते देखिए कितने खूबसूरत बैग यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और ये अम्ब्रेला देखिए, ये पहचान है राजस्थान की, जयपुर की, उदयपुर की। और ये पूरा ही आपका हैंडवर्क का काम यहाँ पर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और ये देखिए यहाँ देखिए रात के 9:30 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई दिन निकल रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छी जगह है, स्ट्रीट जैसे माल रोड वगैरह होते हैं ना उस तरीके का बना हुआ यहाँ पे। देखिए बच्चों की शर्ट वगैरह मिल रही हैं, बड़ों की शर्ट वगैरह मिल रही हैं, और काफ़ी अच्छा है, जैसे ये हर जगह आपको देखने को मिलेगी नहीं। ये देखिए फॉरनर्स के लिए काफ़ी सामान है, हैंडवर्क का काम बहुत पसंद आता है इन्हें। और भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे, देखिए आगे काफ़ी भीड़ लग रही है, वहाँ चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या नज़ारा है वहाँ का। दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसी हलचल है यहाँ पे रात को 9:30 बजे की। काफ़ी रश हो रहा है यार यहाँ पे। एक तो ये मंदिर है यहाँ पे, इसका व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, और कुछ यहाँ के लोकल भी हैं और टूरिस्ट भी हैं, दोनों का मिक्सअप है यहाँ पे। लोकल भी काफ़ी ज़्यादा हैं और टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। देखिए ये मंदिर है यहाँ पे, जय जगदीश हरे, काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है इसके अंदर। और ये रास्ता एक पूरा मार्केट के लिए अंदर भी जा रहा है इधर, और इधर भी एक नीचे जा रहा है। तो अपन इधर सामने की तरफ चलते हैं पहले और देखते हैं यहाँ पे नज़ारे। सामने है द मैग्नेट शॉप। मैग्नेट के साथ साथ आपको यहाँ राजस्थानी कल्चर की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, की चेन से लेके छोटे छोटे सोवेनियर तक और बड़े बड़े बैग तक सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों इधर दूसरी तरफ नीचे की तरफ चल के देखते हैं यहाँ का नज़ारा क्या होने वाला है, क्योंकि वाइब्स तो काफ़ी अच्छी आ रही रात में भी। यहाँ पे काफ़ी यूथ यहाँ पे आया हुआ है, अब लोकल भी है टूरिस्ट भी है दोनों है, रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे कपल वगैरह भी काफ़ी आए हुए हैं यार। आगे नीचे देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ का कुछ फेमस, क्योंकि मैं लेट आया था यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था रात का वॉक अराउंड आपको
दे ही दूँ। तो मुझे लेनी है यहाँ पे बाइक, रेंट करनी है, और रेंट पे बाइक मुझे यहाँ मिल नहीं रही है। अभी मैं एक दो जगह ट्राई करा तो वहाँ पे बाइक ही नहीं है किसी के पास, क्योंकि दो तीन दिन की छुट्टी है अगस्त में, 15 अगस्त की वजह से तो बाइकें यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। अब थोड़ा आगे जाके ढूंढने के लिए जा रहा हूँ बाइक, अगर मिल जाए मुझे तो। एक भाई के पास मिल रही थी बाइक, पैशन प्रो, और लेकिन वो मुझे क्या अर्ली मॉर्निंग निकलना है, मुझे सनराइज़ का व्यू लेना है, लेकिन वो मिल रही है मेरे को 8-9 बजे के बाद, लेकिन उस टाइम मैं क्या करूँगा, मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। तो और सर्च करते हैं, मिल जाएगी यार स्कूटी बाइक जो मिल जाए उससे काम चला लेंगे। दोस्तों मार्केट तो बेसिकली सारी यहाँ पे बंद हो चुकी है, मोस्टली मार्केट सारी बंद हो चुकी है, लेकिन सामने का व्यू देखिए भाई साहब, कितना बेहतरीन व्यू लग रहा है सामने इसका। देखते हैं क्या चीज़ है, लिखा ज़रूर होगा इसमें नीचे कि क्या बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखो दूर से। भाई लोगों ये जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी, बिल्डिंग ये घंटा घर है, देखिए ऊपर घंटी घड़ी बनी हुई है ना, ये घंटा घर है, क्लॉक टावर जिसे बोलते हैं वो बना हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है यार रात के टाइम में। तो भाइयों इस वाली घंटा घर की तरफ तो स्कूटी हमें मिली नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के देख लेते हैं, अगर मिल जाती है हमें स्कूटी तो यार अपना काम आसान हो जाएगा, नहीं तो सुबह के 1-2 घंटे अपने ख़राब होने वाले हैं। देखते हैं, आई होप मिल जाए। दोस्तों अभी चलते चलते मेरी नज़र पड़ी इस पर गोकुल दावेली, ये पूरा कार्ड बना हुआ भैया का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रात के अंधेरे में। और मैंने पूछा भैया से क्या चीज़ है, देखो इस तरीके से ये बनता है, ये बंद तरीके से होता है, एक तरीके से बंद, इसके अंदर काफ़ी सारी स्पाइसी चटनी और ये आलू की मिक्सचर है, और ये मूंगफली का मसाला है, और ये दाल सेव है, हरी चटनी है, काफ़ी चीज़ें इसमें मिला के डाली जाती हैं। और भैया ने इसका प्राइस बताया है 20 रुपीज़। अभी इसको इसमें सेकेंगे भी इसको बटर के अंदर, ये देखिए 20 रुपये में आपको बटर के अंदर इसको बेक करके देंगे, देखिए बटर के अंदर, बहुत देखने में तो टेस्टी लग रही है और खाने में भी काफ़ी अच्छी होगी यार। दोस्तों बन के आ गई हमारी गोकुल की दावेली, फेमस है यहाँ की, उदयपुर में हम खा रहे हैं, इसका टेस्ट ले रहे हैं और खाके देखते हैं कितना मज़ा आएगा इसमें। तो दोस्तों अब ट्राई करते हैं दावेली, और काफ़ी टेस्टी लगी मुझे खाने में, तो 20 रुपये में बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी टेस्टी है, और 20 रुपये में आपका पेट भर जाएगा इसमें, अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख लगी है तो दावेली खा लेना यहाँ पे आके, दावेली मज़ा आ जाएगा आपको 20 रुपये में। दोस्तों किसी खाने के टेस्ट का पता करना है ना आपको, तो उस खाने के ना बर्तन देख लिया करो, देखो कितनी साफ़ करती मैंने, इतनी टेस्टी लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी भाई। तो दोस्तों दावेली खा के तो आ गया बड़ा मज़ा हमें यहाँ पे, लिटरली बता रहा हूँ मैं, मतलब झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत ही औसम बना हुआ था यार, टेस्टी जिसे कहते हैं। अभी हम चल रहे हैं क्लॉक टावर वाले रोड पर, और यहाँ से भैया ने बताया है कि उनकी एक कुल्फ़ी की ब्रांच और है इसी गोकुल के नाम से, ये थी गोकुल दावेली, वो गोकुल कुल्फ़ी है। तो चलते हैं देखते हैं, अगर मिलती है हमें तो टेस्ट करेंगे। यार यहाँ की रात की हलचल ना काफ़ी बढ़िया लग रही है, यहाँ पे संडे के दिन की रात की हलचल बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, मतलब काफ़ी लोगों की हलचल है रात में, लोकल लोगों की भी। दोस्तों ये जो देख रहे हो ना, अब यह है कुल्फ़ी की चाट, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और खाने में भी उतनी खूबसूरत होगी। सामने है भैया का, ये देखिए ये सामने है भैया का कार्ड गोकुल कुल्फ़ी के नाम से, जो कि हम ढूंढते हुए आए हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है इस पर, देखिए काफ़ी लोग खा रहे हैं यहाँ बैठ के, सामने बैठ के खा रहे हैं, यहाँ बैठ के कुल्फ़ी खा रहे हैं, तो मतलब काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे भैया, बड़े बाज़ार में इनकी कार्ड लगती है और काफ़ी टेस्टी है। अभी मैं टेस्ट कर लेता हूँ, अभी तो मैंने देखा ही है। तो दोस्तों अभी मैं लेता हूँ इसका कुल्फ़ी का मज़ा, बहुत ठंडी है यार, बहुत ठंडी, और ठंडी होने के साथ टेस्टी भी बहुत है यार, मतलब बात तो है कुछ इसमें। सिर्फ 40 रुपये की प्लेट दी है, और 40 रुपये में आपको हाफ प्लेट चाट मिलेगी, 60 रुपये देंगे तो आपको 2 कुल्फी मिलेगी चाट बना के, उसमें ओरियो का बिस्किट डला हुआ है, देखिए इसमें ओरियो का बिस्किट एक तो सिर्फ, और ये आपकी कुछ कैंडी डली हुई है, और बहुत ज़्यादा आइटम इसमें डला हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। आप भी आइए यहाँ पे तो बड़े बाज़ार में भाई की गोकुल की कुल्फी और ट्राई करिए। ये है उदयपुर का बड़ा बाज़ार, और यहाँ देखिए गोलगप्पे वालों के भैया पे 10:30 बजे कितनी भीड़ लगी हुई है, मतलब संडे को एंजॉय करते हैं उदयपुर वाले, देखिए ज्वेलरी वाले सब, पूरी मार्केट है होलसेल की। सुबह देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो रात के 10:30 हो रहे हैं तो सारी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों भाई की कुल्फ़ी जो थी ना वो बहुत ही टेस्टी थी, और मज़ा आ गया कुल्फ़ी खा के। अभी आओ ना यहाँ पे कभी तो कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करना, इसकी घंटा करके बाजू में सड़क जा रही है वहाँ पे इसकी भाई की कुल्फ़ी मिलेगी। और अब मैं मार्केट से आ गया हूँ, यहाँ बाइक तो मुझे मिली नहीं रेंट करने को, तो अब देखता हूँ मैं मॉर्निंग में आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर बाइक मुझे मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि मैं सोच रहा था सुबह सनराइज़ का व्यू मैं दिखा दूँ आपको, अभी होप है, ऐसा नहीं है कि प्लान कैंसिल है,
कल देखता हूँ बाइक अगर मुझे मिल जाती है स्कूटी तो मैं आपको सनराइज का व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। सनसेट तो मैं दिखाई दूंगा आपको, क्योंकि भाई से जो मैंने पूछा था वो कह रहे थे 8-9 बजे करीब स्कूटी या बाइक मिल जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए सुबह 6-7 बजे करीब, क्योंकि मुझे आपको सनराइज़ का व्यू दिखाना है, 5-6 बजे उठ के जाना है मुझे। तो कोई बात नहीं, आई होप कल सुबह मॉर्निंग में मुझे मिल जाएगी बाइक। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट कैफे भी बने हुए हैं, तुलसी निवास एंड रेस्टोरेंट है, देखिए ऊपर रूफीज लेक व्यू, ये भी आपको डॉर्मेट्री मिल जाएंगे यहाँ पे, डॉम्स वगैरह। और यहाँ पे देखिए वेज थाली, माजी हाउस, वेज थाली वगैरह सब मिल जाएगी आपको यहाँ पेट पूजा करने के लिए। और ये लाल घाट की तरफ रास्ता जाता है जो ऊपर से लेक व्यू दिखता है हमारे हॉस्टल से, तो सामने देखते हैं कहीं लाल घाट पर जा पाता हूँ मैं कि नहीं। तो भाई लोग घाट के नज़दीक पहुँच रहे हैं हम, ये देखिए नेचुरल व्यू रेस्टोरेंट है, ये घाट के काफ़ी नज़दीक है, लेक जिसे बोल रहे हैं आप। और अभी पतला पतला रास्ता जाके ना नीचे सामने घाट पे हमें मिलेगा, तो आपको रात का व्यू दिखा देता हूँ घाट का, कितना खूबसूरत लगेगा। दोस्तों मेरे पीछे है ये लाल घाट और इसको लेक भी बोलते हैं, लेक व्यू भी बोलते हैं, सारे हॉस्टल जो इसकी लेक व्यू पे चल रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत लग रहा नज़ारा, पूरा पानी पानी और बहुत ही ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। आप इस तरफ आएंगे ना तो लाल घाट की तरफ इन्जॉय करने के लिए ज़रूर आ जाना एक बार। दोस्तों देखिए नीचे ये ना पानी दिखेगा आपको थोड़ा थोड़ा, अभी रात का नज़ारा, इसमें पानी साफ नहीं दिख रहा, देखो यहाँ से दिख जाएगा आपको, और ये पूरा का पूरा पानी है वहाँ से वहाँ तक, और दूर दूर तक आपको ये नज़ारे देखने को यहाँ पे मिलेंगे, पूरा पानी पानी है यहाँ पे। तो देखिए भाई साहब हॉस्टल के साथ साथ यहाँ पे ना काफ़ी बेहतरीन यूनिक यूनिक रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, और इन्हीं के अंदर आपको होटल भी मिल जाएंगे, होटल रेस्टोरेंट सब इंक्लूड है। और पूरी उदयपुर की आपको याद दिलाएगा इसको, अंदर से जाके भी देखिए बहुत ही खूबसूरत है ना। तो ये देखिए ये सब अपने नीचे से घाट से अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, घाट का मज़ा लेके आप ये नीचे से आ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो में आपको मैंने घाट दिखा दिया और हॉस्टल दिखा दिए और नाइट मार्केट भी दिखा दी, यहाँ पे जो शॉपिंग कर सकते हो, खा पी जो सकते हो वो भी दिखा दी मैंने आपको। अब कल अर्ली मॉर्निंग में निकलूँगा यहाँ से, वो एक सीक्रेट है जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा कल। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, सबसे जल्दी अपडेट आपको इंस्टाग्राम पेज पर आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।